वेल, रोहित शर्मा की T20 की कप्तानी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि क्या T20 की कप्तानी बचेगी या चली जाएगी। आपको बता दें कि आज एपेक्स काउंसिल की मीटिंग है BCCI की और कुछ हार्ड हिटिंग फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है सोर्सेस से उसमें रोहित शर्मा T20 के कप्तान होंगे या नहीं होंगे ये एजेंडा में है ही नहीं, यानी कि उस पर तो चर्चा होना ही नहीं है। और BCCI के जो अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि BCCI के अभी भी कई सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, क्रिकेटिंग ब्रेन्स हैं, जिनको लगता है कि रोहित शर्मा को ही T20 में कप्तानी करनी चाहिए टिल द 2023 आपका ODI वर्ल्ड कप। और इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको बता दूं, कई सारे बड़े ऑफिसर्स का ये मानना, मतलब BCCI में जो लोग जुड़े हुए हैं, क्रिकेटिंग ब्रेन्स हैं, उनका ये मानना है कि अगर रोहित शर्मा से T20 की कप्तानी लेकर हार्दिक पांड्या को दे दी जाती है तो फिर हो सकता है कि रोहित शर्मा या कई सारे ऐसे सीनियर प्लेयर जो है वो डिमोरलाइज हो जाए, वो अच्छा फील ना करे और इसका इम्पैक्ट 2023 वर्ल्ड कप में पड़ते हुए दिखेगा, ODI वर्ल्ड कप में पड़ते हुए दिखेगा। इसीलिए BCCI के कुछ अधिकारी जो है वो वहां पर वेटिंग गेम करना चाहते हैं, वेटिंग गेम खेलना चाहते हैं। इन द सेंस वो चाहते हैं कि 2023 तक जो है आपका जब ODI वर्ल्ड कप जब तक चलता रहेगा तब तक T20 की भी कप्तानी रोहित शर्मा ही करें, और एक बार जैसे ही आपका ODI वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा उसके बाद 2024 में आपका T20 का वर्ल्ड कप है तब जाकर ये फैसला ले सकते हैं कि रोहित शर्मा को कप्तान कंटिन्यू करना चाहिए T20 फॉर्मेट में या नहीं करना चाहिए। ये कुछ BCCI के अधिकारियों का इस तरीके से मानना है। और ये खबर आ रही है कि रोहित शर्मा हो सकता है कि श्रीलंका के खिलाफ जो आपकी T20 की टीम बनेगी वहां पर कप्तानी करते हुए भी दिखेंगे, यानी कि हार्दिक पांड्या को अभी इंतजार करना पड़ेगा। जो पहले खबर आ रही थी कि हार्दिक पांड्या ही आपके T20 फॉर्मेट के गोइंग फॉरवर्ड कप्तान होंगे, अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि नेवर से नेवर विद इंडियन क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। यहां पर अब तक ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा की T20 की कप्तानी गई एंड ODI एज वेल एज टेस्ट मैचेस की वो कप्तानी करेंगे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि रोहित शर्मा को 2023 तक जो आपका एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप है तब तक उनको T20 में कप्तान बनाने की, तब तक T20 में भी कप्तान बनाने की बात चल रही है ताकि उनको कोई इस तरीके से डिमोरलाइज ना फील करें, इंपैक्ट ना हो उनकी कप्तानी में कि उनसे कप्तानी ले ली गई है एशिया कप वर्ल्ड कप हारने के बाद में। इसीलिए कई सारे ऐसे BCCI में बड़े अधिकारी हैं जिनका मानना है कि रोहित शर्मा को 2023 ODI वर्ल्ड कप तक के लिए T20 की भी कप्तानी करनी चाहिए, और एक बार जब ODI वर्ल्ड कप हो जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे, क्योंकि 2024 जून जुलाई में आपका T20 वर्ल्ड कप है तो हमारे पास में पर्याप्त समय है, गोइंग फॉरवर्ड फिर हम फैसले लेंगे। तो अगर रोहित शर्मा आपको श्रीलंका के खिलाफ कप्तानी करते हुए T20 फॉर्मेट में दिख जाए तो चौंकिएगा नहीं, ये भी हो सकता है, मतलब कि आप सरप्राइज बिल्कुल मत हो जाइएगा, दिस मे बी पॉसिबल। एंड देखते हैं कि अगर वो करते हैं तो इस बार किस तरीके से टीम बिल्ड करते हैं। लेकिन आपका क्या कहना, क्या रोहित शर्मा को कप्तानी करनी चाहिए T20 में या BCCI को बड़ा फैसला लेना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।